हेलो एवरीवन, आज हम चिकन शामी कबाब बना रहे हैं और हम अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 छोटी स्टिक दालचीनी की, 3-4 लाल साबुत मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 2 बे लीफ, थोड़े से 4 पीसेस लौंग के, 7-8 पीस काली मिर्च, 1 साबुत बड़ी इलायची, 6-7 पीसेस लहसुन के और 1 इंच अदरक को हम स्लाइस कर लेंगे और 1 टीस्पून जीरा, 2 ब्रेड स्लाइसेस, 1/2 kg बोनलेस चिकन, 1/4 plate ब्रेड क्रम्स, 1 स्मॉल कप चना दाल। इसको हम 2-3 आवर्स के लिए बस पानी में सोक करके रख देंगे। अब जो हमने अपने साबुत मसाले निकाले थे उनको, सारे मसालों को आपको इसमें ही सोक करके रख देना है, इसमें ही डाल देंगे और इसको सोक करके रख देंगे। तीन घंटे बाद जब आपकी दाल अच्छे से भीग जाएगी फिर हम इसको कुकर में ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम इसे बॉईल करेंगे और दाल के साथ सारा जो उसका मसाले का पानी और वो सब था, सब कुछ आपको ऐड करना है। फिर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून तक, और फिर उसको हम बॉईल करेंगे। 2-3 सीटी आने तक आप इसे बॉईल कर लीजिए। अब हमारी फाइनल सीटी आ गई है, अब हम गैस को बंद कर लेंगे और हम कुकर को निकालते हैं और चेक कर लेते हैं हमारा चिकन और दाल पक गई है कि नहीं। अब हम चिकन को निकालेंगे। सबसे पहले हम चिकन को एक ग्राइंडर में ऐड करेंगे, क्योंकि दाल और चिकन को साथ में पीसते हैं तो दाल के दाने नहीं पीस पाते हैं उसके साथ में, तो आपको पहले पीसेस निकाल के उसको ग्राइंड कर लेना है, उसके बाद हम लास्ट में दाल और बाकी मसालों को ग्राइंड करेंगे। अब जो हमारे खड़े मसाले हैं, जितने आप निकाल सकें उनको आप निकाल लें, क्योंकि इनका फ्लेवर तो ऑलरेडी हमारे चिकन और उसमें दाल में आ चुका है, तो हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें ग्राइंड करते हैं तो ये पूरा नहीं पिस पाते हैं, फिर ये मुँह में लगते हैं जब हम इन्हें खाते हैं। तो अब हमारा चिकन ग्राइंड हो चुका है, अब हम दाल पीस लेते हैं। अब हमारा चिकन और दाल ग्राइंड हो चुकी है, अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। जो हमने 2 स्लाइस ब्रेड की ली थी उनको हम क्रश करके ऐड करेंगे। थोड़ा सा चॉप्ड हरा धनिया डालेंगे, चॉप्ड अनियंस डालेंगे, ये हम स्टार्टिंग में बताना भूल गए थे इंग्रेडिएंट्स में। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, ये सब 1/2 टीस्पून ऐड करना है आपको, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट आप ध्यान से डालें, क्योंकि हम पहले भी सॉल्ट ऐड कर चुके हैं जब हम चिकन को बॉईल कर रहे थे। आप इसको मिक्स करके एक बार टेस्ट कर लें, अगर आपको सॉल्ट कम लगता है तब आप ऐड करिएगा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को। ब्रेड हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि वो उसको अच्छे से बाइंड कर दे। अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसमें बॉइल्ड पोटैटोज़ को भी मैश करके डाल सकते हैं, 1 या 2 पोटैटोज़ बस। अब हमारा मसाला पूरा रेडी है और अब हम इनको कबाब्स को शेप दे लेते हैं। शेप आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो। हमने राउंड शेप्स में बनाए हैं, तो अब आप इसको स्मॉल स्मॉल पोर्शन लेते जाइए और ऐसे करके शेप बनाते जाइए। और अब हम इसमें ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप इंस्टेंटली भी बना सकते हैं। आप बस 2 ब्रेड लीजिए और मिक्सर में उसको ग्राइंड कर दीजिए, फ्रेश आपको ब्रेड क्रम्स आप यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसे हम करके सारे कबाब्स बना लेंगे। अब अपने फ्राइंग पैन को हीट कर लीजिए। हम इनको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, और आपको इसको सिम पे पकाना है,
लो फ्लेम पे। अब हम इनको पलट के चेक कर लेते हैं। जब आपके कबाब्स का कलर गोल्डन ब्राउन कलर का आ जाए तब तक आपको इनको फ्राई करना है। और अगर आपको लगता है कि ऑयल कम हो रहा है तो आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। फ्राइंग आपकी प्रेफरेंस पे है, आप चाहें तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसे शैलो फ्राई करके सिम पे पकाना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए हमारे कबाब बड़े मज़े के लग रहे हैं, इनका कलर भी बहुत अच्छा आया है। आपको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। ये ऑलरेडी अंदर से तो पहले से ही कुक्ड हैं, तो इसलिए बस इनको क्रिस्पी करने के लिए हमको इनको फ्राई करना है। अब हमारे कबाब दोनों तरफ से फ्राई हो चुके हैं, तो अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब आप इनको अपनी फेवरेट चटनी और सैलेड के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, घर पे बनाइए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपके कबाब्स कैसे बने। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट। एंड ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट एनी पर्टिकुलर रेसिपीज़ देन प्लीज़ डू लेट अस नो। Thanks for watching. Have a great day. Bye-bye.